नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के पैसे लेकर भागने वाली कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने के निर्देशों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस टीम को आरोपी की धरपकड़ के लिए लगाया गया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आवास विकास से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विस नाम से एक कंपनी खोली गई थी, जिसके बाद कंपनी लोगों के 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। अब जिले के अलग अलग थानों में अमित मालिक सहित 3 अन्य साथी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में 5.5 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर भागने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आरोपी की तलाश की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज करके एक कंपनी के तौर पर आया था, तो वो कंपनी पंजीकृत भी नहीं था, लेकिन ये था कि भाई इन्होंने ऑफिस खोल के मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से एक तरीके से वो बिजनेस टाइप कर रहे थे। उसमें आईडी बना के यूट्यूब में ऐड देने की बातें हो रही थी। उसके एक एक आईडी के नाम पे 3,000 रुपये का आईडी का चार्जेस होता था, उसके बाद हर ऐड पे 20 पैसा एक ऐड में पैसा मिलता था। ऐसा कुछ स्कीम था जो विगत 1.5 साल से चल रहा था, छोटा सा ऑफिस में। उसमें मेंबरशिप स्कीम ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों ने आइडिया बहुत ज़्यादा बनाई। पहले तो ये बोला गया था कि भाई हर आईडी का हर महीने पे 4,000 रुपये पैसा मिलता है करके। तो इनिशियली कई लोगों को सैलरी भी मिल गया, मतलब उसका पैसा भी मिलता रहा। और आखिरी किस्त का मतलब पिछले महीने का सारा किस्त का पैसा लेके जो उस कंपनी का संचालक है, कथित संचालक ये अमित मलिक है और उनके साथ 3 और साथियाँ हैं, तो उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा करके अभी वो तब से ऑफिस बंद करके गए हैं, ऐसा शिकायत आया था। शिकायत बहुत संवेदनशील था, परंतु ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग किट प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है, जो मेंबर मतलब पैसे का चेन बनाने वाले हैं। बस ये प्रोडक्ट के नाम पे इन्होंने ये यूट्यूब ऐड वाला ये दिखाया है। काफ़ी लोगों को कई महीने पैसा मिला है और लास्ट महीने का किस्त गया है, तो लास्ट महीने का जो चार्जेस है या जो भी आईडीज बना है उनको पैसा नहीं मिला है। संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने कुल मिला के 50 फ्रेंचाइजीज है, 50 से 55, उन सब लोगों को क्लब करके हमने जिले की कुल मिला के 5 अलग अलग थानों में 5 अलग अलग FIR हमने पंजीकृत किया है। अभी जो है तत्काल जो है हम इस पर पकड़ दकड़ के विभिन्न टीमें हमने रवानगी कर दिया है और यथाशीघ्र जो है हमें सफलता मिलना चाहिए। सर कितने लगभग पैसे लेके भागा? तो देखिए, इनके हिसाब से जो ये ऑडिट होता है, मतलब ये इनके ही कहने के अनुसार जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग हो रहा है, तो 5 करोड़ के आसपास अभी तक बैठ रहा है जो FIR में संस्तुति होके आई है जांच के उपरांत, तो 5 करोड़ के प्लस अमाउंट है, तो जिसमें 55 लोग करीब जो है फ्रेंचाइजीज है, तो उसको 5 विभिन्न थानों में 5 विभिन्न अभियोग हम पंजीकृत करा। ये खबर तैयार की है रुद्रपुर से हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।